अस्सलाम वालेकुम। यमी क्विक रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ एक वेजिटेरियन पराठा, जिसको आप नाश्ते से लेके शाम की चाय, स्कूल लंच या फिर ऑफिस लंच के लिए दे सकते हैं। इसके लिए ली है मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की जुकीनी। आप चाहें तो इसको लौकी या तुरई के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर लौकी से बनाएंगे तो उसका छिलका उतारना पड़ेगा। मैं यहाँ इसको छिलके के समेत ही ग्रेट करूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको चॉप करेंगे। 2 जवे हैं लहसुन के और 6 अदद हैं छोटी हरी मिर्चें, इन सबको चॉप करेंगे। 3 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं। मसालों में मैंने लिया है 1.5 टी स्पून है नमक, 1 टेबल स्पून है कसूरी मेथी, 1.5 टी स्पून है कुटी लाल मिर्चें और 1 टी स्पून है पिसा हुआ ज़ीरा और बस। और आटा मैंने लिया है चक्की का आटा, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा लेके भी बना सकते हैं, लेकिन चक्की का आटा एक बेटर ऑप्शन है तो सोचिएगा ज़रूर। अब मैंने सारी चीज़ों को काट के और ग्रेट करके रख लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले सिंपल सारे मसाले डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो चीज़ें हमने काट के रखी हैं ये डाल के और फिर आटा गूंद लेंगे। इसके अंदर हमने कोई पानी निचोड़ा नहीं है और ना ही इसको हमने पहले से पकाया है इस वजह से, और 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे तो इस वजह से हमें इसको मसल मसल के गूंदना पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत ही कम पानी इस्तेमाल होगा आटा गूंदने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी और फिर आटा तकरीबन वैसे ही गूंद जाएगा। तकरीबन आधा कप से भी कम पानी शायद इस्तेमाल होगा। जितना कम पानी इस्तेमाल हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपने अभी इसको हल्के हाथ से गूंदा तो फिर सब्ज़ी अपना पानी बाद में छोड़ेगी और फिर रोटी बनाना मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, जो तेल बचा हुआ था वो भी डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से कवर करके और फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो बाहर ही रहने दें ढक्कन लगा के, ठीक है। उसके बाद जब आधा घंटा हो गया तो हमारा आटा अच्छे से तैयार है, काफ़ी नरम आटा है ये देखें। और उसके बाद मैंने ये पेड़े बना लिए हैं इसके, और अब हम अपना पराठा बेलने की तैयारी करते हैं। इसको नॉर्मल रोटी की तरह से ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से ही बनाएंगे और ये बहुत आराम से बनना शुरू हो जाएगा। ज़ोर से बनाएंगे तो ये अपना पानी फिर से छोड़ेगा और नीचे चिपकने लग जाएगा, और अगर ऐसा हो भी तो थोड़ा सा आटा डाल के और फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसको हम हल्की आंच पे बनाएंगे क्योंकि हमारी जुकीनी कच्ची है तो इसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। एक साइड से पकने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और जब 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको पलट रही हूँ और अब इसके ऊपर मैं असली घी लगा रही हूँ, एक एक साइड पे आधा आधा टेबल स्पून। आप चाहें तो वनस्पति घी लगा सकते हैं, चाहें तो नॉर्मल तेल या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, ये हर तरीके से आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ये आधा टेबल स्पून ये लग गया ऊपर और आधा टेबल स्पून नीचे की तरफ, और नीचे की साइड भी पकाने के लिए 5 मिनट और लगेंगे। इसकी आंच आपको तेज़ नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। अगर आपने आंच तेज़ की तो ये नीचे से और ऊपर से बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से हमारी सब्ज़ी कच्ची रह जाएगी, जो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। ये 10 मिनट हो गए और अब ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल थोड़े से घी में हमने बनाया है, किसी टिश्यू पेपर की ज़रूरत तो है ही नहीं, डायरेक्ट प्लेट में निकालेंगे और बस ये तैयार हो गया। मैंने इसको सलाद, अचार और रायते के साथ सर्व किया है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं। और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।